गाजियाबाद जिले के थाना इंदिरापुरम में आपको बता दें ऑटो चालक की मौत होने पर जो है पुलिस पर बड़े सवाल उठे हैं। आरोप लगाया है कि पहले ऑटो चालक से कोई एक्सीडेंट हुआ किसी रिक्शा चालक के साथ, उसके बाद जो है इंदिरापुरम पुलिस ने जो है उसको उठाया और उसके बाद उसके साथ मारपीट करी। इसी दौरान बताया जा रहा है उसकी हालत बिगड़ने लगी, जहां उपचार के दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई। इससे काफ़ी हंगामा काटा है, लोग इकट्ठा हो गए, सड़कों पर एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। गाजियाबाद से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 8/1/2023 की रात्रि करीबन 10:30 बजे पीआरवी को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक ऑटो चालक और एक साइकिल के बीच एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया एवं दोनों ही पक्षों को नजदीक होने के कारण शांति गोपाल अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसमें से जो साइकिल चालक था उसके चोटें थी और उन्होंने अपना उपचार किसी सरकारी अस्पताल से कराने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उनको उनके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। एवं जो ऑटो चालक था उनको मेडिकल के आधार पर, क्योंकि मेडिकल में उनके कोई भी उस समय पे जाहिरा चोट नहीं थी एवं वो नॉर्मल अवस्था में थे, इसलिए वहां पर उनके परिवारजनों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया था। आज सुबह 9 तारीख को उनके परिवारजनों द्वारा शांति गोपाल अस्पताल ले जाया गया ऑटो चालक के परिवारजनों द्वारा, जहां पर कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। पैनल के थ्रू उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके उपरांत इस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की।